सो गाइस अगर आप भी कुछ इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला इस तरह से स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि दोस्तों आप इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो, सो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो, तो इस तरह से वीडियो बनाने के लिए अभी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, तो इस तरह से वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको एक पासवर्ड मिलेगा, तो उसी पासवर्ड को आप वहाँ पे इंटर करके आप सारे मटेरियल को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और आप भी कुछ इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला स्टेटस वीडियो बनाकर आप कहीं पे पोस्ट कर सकते हो। तो इस तरह से वीडियो कैसे बनाते हैं, तो चलिए दोस्तों इस कमाल के और धमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला कमाल का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए अभी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से, तो दोस्तों आप अपने मोबाइल में काइनमास्टर एप्लीकेशन को क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। सो गाइस वीडियो को एडिट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस वाला ऑप्शन पे टैप करेंगे, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना रेशियो यहाँ पे 9:16 पे क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका मीडिया ओपन हो जाएगा। सो अगर मीडिया ओपन नहीं होता है तो इस तरह से शो होगा, दिखाई देगा। तो ऊपर यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है तो आप इस मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों वही पेज यहाँ पे ओपन होगा, मीडिया ओपन होगा। तो आपको फर्स्ट में आपको बैकग्राउंड या इमेज का ऑप्शन शो होगा, तो आप उस पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड पे क्लिक करके हम यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका बैकग्राउंड आ जाएगा यहाँ पे। तो आप इस बैकग्राउंड पे क्लिक करके और आप जितना बड़ा वीडियो को बनाना चाहते हो उतना बड़ा इसको हम खींच कर बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत में आकर दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से यहाँ पे एक पंख वाले PNG इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो हम पहले से रखे हैं तो उस इमेज को हम अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस पंख वाले PNG इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको खींच कर इस तरह से हम वीडियो का लेंथ के बराबर बढ़ा देंगे, जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत में आएंगे और यहाँ से दोस्तों इसको जूम वूम करके बड़ा करेंगे, ठीक है। तो कुछ जूम वूम करके इस तरह से हम बड़ा करेंगे और दोस्तों इसको रोलेट करके इस तरह से घुमा कर हम इसको इस साइड में कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से करेंगे और जूम वूम करके बढ़िया से इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से आप कुछ इस तरह से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ज़बरदस्त बनेगा आपका वीडियो। तो यहाँ पे जूम वूम करके हम बढ़िया से एडजस्ट करके हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम बीचों बीच में यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हम इस वीडियो में जो भी पार्ट यूज करेंगे, फोटो या वीडियो, इन सभी फोटो और वीडियो कहाँ से डाउनलोड करना है वो दोस्तों हम इस वीडियो के आगे कहीं पर बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा इस तरह से वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पर राइट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों हम यहाँ पर शुरुआत में आकर दोस्तों हम यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से यहाँ पर एक लव PNG इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों लव सॉन्ग का जो इमेज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे अपने गैलरी से, तो उस इमेज को हम अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस लव सॉन्ग का जो PNG इमेज है इसको गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको खींच कर इस तरह से हम वीडियो का लेंथ के बराबर बढ़ा देंगे, जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा। उसके बाद दोस्तों हम इसको जूम वूम करके कुछ इस तरह से छोटा बड़ा करके हम बढ़िया से एडजस्ट करके हम ऊपर यहाँ पर इनपुट करेंगे, सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम नीचे स्क्रोल करके जाएंगे, आपको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट को आप थोड़ा सा डिस्क्रीज करके यहाँ पर सेचुरेशन को इस तरह से कम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेस्ट और सिचुएशन को आप कम कर लीजिएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे लव सॉन्ग का जो PNG में जो होगा वो थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत में आकर दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से यहाँ पे एक लव वाले वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो हार्ट वाला वीडियो है तो उस वीडियो को हम अपने गैलरी से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे और क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम दोस्तों ऊपर से और नीचे से हम इसको क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद दोस्तों राइट पे क्लिक करेंगे, फिर से दोस्तों हम इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे और जूम वूम करके इस तरह से हम बढ़िया से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे फिट स्क्रीन में करेंगे।
तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों हम नीचे एडजस्ट करके हम नीचे यहाँ पे सेट करेंगे। सेट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों राइट पर क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों आप इसी पंख वाले PNG इमेज को क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो पंख वाला जो भी ये PNG इमेज है उस पर हम क्लिक करेंगे और फिर से हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको भी हम मल्टीप्लाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो पंख वाले को भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों राइट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत में आकर दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिस फोटो को लगाकर आप वीडियो में बनाना चाहते हो। तो कोई एक फ़ोटो को हम अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस फोटो को गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको खींच कर इस तरह से हम वीडियो को लेंथ के बराबर बढ़ा देंगे, जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा। उसके बाद तो दोस्तों इसको जूम वूम करके इस तरह से हम बड़ा करेंगे और इसको हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। यहाँ पर ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करके इसको हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लाइटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप इसको लाइटिंग करेंगे, लाइटिंग करने के बाद दोस्तों राइट पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों इसी इमेज पे क्लिक करेंगे, अभी जो इनपुट किए हैं अभी जो सेलेक्ट किए थे यहाँ पे उस पर क्लिक करके दोस्तों हम यहाँ पे वाले एनिमेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। यहाँ पर फ्लोटिंग का जो ऑप्शन मिलेगा आप इस पर क्लिक कीजिएगा, तो फ्लोटिंग पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा ड्रिफ्टिंग की तरह होगा, ठीक है। आपका इमेज यहाँ पर फ्लोट करेगा और राइट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ शुरुआत में आकर दोस्तों हम यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से एक और इफेक्ट वाला वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियो है तो उस वीडियो को हम अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो कैंची का बगल में ऑप्शन है आप इस बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, जो यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फुल और फिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको फुल और फिट स्क्रीन कर देंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों हम इसे ग्रीन स्क्रीन वीडियो पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रोल करके जाएंगे। यहाँ पे क्रोमा की का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक कीजिएगा और इसको हम इनेबल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल करेंगे और यहाँ से जो आपको की कलर का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो की कलर में हम ग्रीन कलर को सिलेक्ट करेंगे, राइट पे क्लिक करेंगे तो आपके वीडियो का ग्रीन कलर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो में थोड़ा सा कलर आ रहा है ग्रीन कलर तो आप यहाँ पे बढ़िया से एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से हम बढ़िया से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों राइट पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे शुरुआत में कर दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से यहाँ पे एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो दोस्तों कलर इफेक्ट वीडियो है तो उस वीडियो को हम अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कलर इफेक्ट वीडियो गैलरी से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैंची का बगल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फुल और फिट स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फुल और फिट स्क्रीन कर देंगे। यहाँ पे जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करके बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे। यहाँ पे ब्लेंडिंग का जो ऑप्शन है आप इस पे क्लिक करके हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके स्क्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों हम यहाँ पे आखिरी यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से यहाँ पे एक बॉर्डर इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सो हम पहला से रखे हैं तो उस बॉर्डर इमेज को हम अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस बॉर्डर इमेज को गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से हम इसको खींच कर वीडियो का लेंथ के बराबर बढ़ा देंगे, जितना बड़ा वीडियो का बैकग्राउंड होगा उतना बड़ा। उसके बाद दोस्तों इसको भी हम फुल और फिट स्क्रीन में कर देंगे, तो इस तरह से हम फुल और फिट स्क्रीन में करेंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से हम शुरुआत में कर दोस्तों यहाँ पे ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए, तो म्यूजिक या सॉन्ग को आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पर ऑडियो पर क्लिक करके आप अपने फोल्डर और फाइल से कोई एक सॉन्ग को म्यूजिक को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। या तो दोस्तों हम यहाँ पे लेयर पर क्लिक करके मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से कोई एक वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें म्यूजिक है, ठीक है। तो हम कोई एक वीडियो को हम अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो गैलरी से सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये वीडियो है, तो इसमें म्यूजिक भी है। तो हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो का जो ऑप्शन मिलेगा आप इस पर क्लिक करके इसका म्यूजिक अलग निकाल देंगे, ठीक है। तो आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक यहाँ पे निकल गया केवल उसी तरह, ठीक है, उसी तरह आपको म्यूजिक निकल जाएगा। और इस वीडियो पर क्लिक करके जो लिरिक्स वीडियो अभी इनपुट किए हैं यहाँ पे ऐड किए हैं उस पर क्लिक करके डिलीट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपका ब्लैक स्क्रीन का जो वीडियो होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप इस वीडियो को चलाकर देखोगे तो कुछ इस तरह से आपका कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त इफेक्ट वाला इस तरह से कमाल का न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट हो जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप इस तरह से वीडियो बनाकर आप कहीं पर पोस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा लाइक्स, कमेंट और व्यूज मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। तो इस तरह से वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जो भी पार्ट यूज किए हैं, फोटो या वीडियो, इन सभी फोटो और वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कहीं पे पासवर्ड मिल गया होगा तो उसी पासवर्ड को आप वहाँ पे इंटर करके आप सारे मटेरियल को आप अपने गैलरी में सेव कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और आप भी कुछ इस तरह से इफेक्ट वाला कमाल का न्यू ट्रेंडिंग जबरदस्त ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो बनाकर आप कहीं पर पोस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो गैलरी में सेव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ ऊपर शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से अपना बढ़िया सा प्रिंट चूज करके डायरेक्ट हम यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके और घंटी बजाकर ऑल पे दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।